हेलो माय टू फैमिली, मैं आपका प्यारा सुख चौधरी। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो मस्त और बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज मेरा फिफ्थ क्लास का रिजल्ट आ गया है और मुझे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ए ग्रेड प्राप्त हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ए ग्रेड मिली है। और कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स या फिर वीडियोस के ऊपर कमेंट करते थे कि भाई तू पढ़ भी लिया कर, नहीं तो फेल हो जाएगा और तू ये रील्स वगैरह छोड़, तेरे से नहीं कुछ हो पाएगा, है ना। तो मैं उन सभी को बता दूं कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ए ग्रेड आई है, ओके। और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरी स्टोरी मेंशन कर दी है, वहाँ पे भी जाके आप सभी देख सकते हो पूरे प्रूफ के साथ, उसके अंदर पूरा मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ओके। और कुछ लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा जेलस करते थे, वो भी देख लेना, ठीक है। ओके गाइज, जो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरी जो माँ है ना, वो ना जब भी मैं पढ़ता नहीं था ना एग्ज़ाम के टाइम, मतलब खेलता था, मतलब मैं पढ़ता था बीच में उठ के खेलने लग जाता, मैं से एक जगह टिका नहीं जाता था, कभी मैं इधर से उछल के कभी उधर चला जाता। तो माँ बोलती हाँ, तो माँ ऐसे बोलती कि ना तू एक काम कर, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा ना एकदम मन लगा के, और तेरे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ए आएगी, अगर एक भी सब्जेक्ट्स के अंदर तेरे बी आएगी ना तो मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा। मैंने बोला ओके माँ, कुछ भी कर लेना, मेरे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर तो ए ही आएगी। तो ऐसा ही हुआ। और माँ ने मेरे को उस टाइम पे ये भी बोला था, शांत होगी क्या? कितनी सारी चिड़िया है ना, जामुन खा रही है वो, जामुन खा तो कह रही है, काट काट के नीचे डाल दे, देखो कितने सारे जामुन लगे हुए हैं और कितनी सारी चिड़िया। इनके बीच में वो युद्ध हो रहा है, युद्ध कौन सा महाभारत, तो चिड़िया ने इनके घोंसले को छेड़ दिया होगा, तो उसने अपनी बात की, बोल लिया कि शांति में थे, मारियो बोल, कई बार बोल छीनने नहीं देगा, मैंने उससे कई बार उसकी बोल छीन ली तो वो गुस्सा हो, वो पैरों में लेकर बैठा है। बेचारे के पास दो बोल थी, एक तो मैंने मेरे बैग से खेलने के लिए वहाँ पे टांग दी, उसको देखो क्या जुगाड़ बना रखा है मैंने उसका। मैंने काफी बार ट्राई करी, मैंने सिर्फ रस्सी लपेटी तो बार बार निकल गई, फिर मैं सॉक्स ली एक खराब से उसके बांध दी अच्छे से, अब वो निकल ही नहीं रही। तो मैं शाम को इधर खेल लेता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त सभी नानी के गए हुए, पता नहीं माँ कब मिले को, एक बार तो आयो, एक बार तो जाए, वापस से जाऊंगा। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं रिलायंस में, जैसे कि माँ पलट गई, नहीं जाएगी माँ, मैं तभी तो तैयार कर, माँ पलट गई भी तो भैया, माँ अपना वादा भूल गई, आपने वादा करा, जब मैं पढ़ता है माँ से बोलती हूँ मैं ना तेरे से प्रॉमिस करती हूँ कि तू ना अगर अच्छे से पढ़ेगा और सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ए ग्रेड लाएगा ना, मैं तेरे को रिलायंस में लेके जाऊंगी और तू जो बोलेगा ना वही तेरे को दिलाएंगे। नहीं, आपने यही बोला था, तो अभी हम जा रहे हैं रिलायंस में, जैसे ही रिजल्ट आया ना मैंने उसी टाइम बोल दिया माँ अब आपको रिलायंस में जाना ही होगा क्योंकि मेरे सभी के अंदर ए ग्रेड आई है। तो अभी चलते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो गया। बेटा जब रिजल्ट आने वाला था तब क्या हो रहा था? भाई साहब धक धक हो रही थी भाई, आंसू भी आए और एक बार तो रोना भी आ गया था ना भाई, सच्ची में दो बार रोया, एक बार माँ के पास रोया, एक बार आपके पास रोया। मैंने सभी फोन्स के अंदर वो वेबसाइट खोल के रख दी, जैसे रिजल्ट आएगा एक ना एक के अंदर तो खुलेगा, क्योंकि जो सर्वर था ना वो क्रैश हुआ हुआ था, तो अभी भी नहीं आ रहा है इस बच्चों का रिजल्ट, सबका तो निकल नहीं आया, बाकी कुछ का आ गया, सबसे पहले मेरा आया, पापा ने जैसे वेबसाइट खोली मेरा रोल नंबर डाला और सबसे पहले मेरा ही आया, पापा बोल रहे तो कोई बच्चे का भी नहीं आया, सबसे पहले तेरा ही आ गया, नहीं हमारे स्कूल वालों ने भी निकाला था तो उन्होंने बताया था, बस हम सबका निकला सबसे पहले। आप इतनी तेज गर्मी है कि मैं सेकंड टाइम ना आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मैंने मेरी साइकिल निकाल ली है, चलते हैं। एक तो इसकी सीट जो कि हमेशा ही टेढ़ी रहती है, चाहे कितनी मार मार के मुंह के ठीक करता हूँ, मेरी खटौरा सी साइकिल पर चलती बड़ी तेज है, सबसे तेज साइकिल क्या उनसी सुख चौधरी की साइकिल। तो अब हो गई माँ आगे और अभी माँ यहाँ से बैग ला के दे रही है, तो वो देखो छोटी सी बच्ची है उनको बोल दी चल अब चला, अब मैं बैठ गई हूँ, मेरे को भी लेके चला गए थे माँ को क्या मजा आ रहा है खेलने में, वो देखो छोटी सी बच्ची साइकिल चला रही है और माँ उसके पीछे बैठ गई। ये लो भाई अपना बैग भी आ गया,
ये इतना बड़ा थैला क्यों लाके दिया, इतना बड़ा बैग, ये क्या मैं इसके अंदर बैठ के जाऊंगा? कुछ तो सामान लाएगा। मैं घर का कुछ नहीं लेके आऊ, बस मैं एक घर के लिए सिर्फ एक पाव लेके आऊंगा और भाजी। वो भी तेरे लिए लाएगा पाव भाजी भी, तो बनानी तो आपको ही है, तो आपके लिए तो आई वो। तो मैं सिर्फ मेरे चॉकलेट से लेके आऊंगा गाइस, मैं कुछ भी घर का सामान नहीं लेके आऊंगा। बिस्किट्स मैं पहले ही लेके आ गया था, तो अभी जाऊंगा और मेरी फेवरेट चॉकलेट्स ले आऊंगा। किंडर जॉय भी ले आऊंगा, होती है डेयरी मिल्क है, गैलेक्सी है, सिल्क है, तू मनूरे नाम बता दे उठे मेरी खाल खा गो, एक ही दिलाऊंगी मैं ना, एक नहीं काफी सॉरी। तो चलते हैं साइकिल लेके और लेके आते हैं। ओके गाइज बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। सो गाइज फाइनली अभी हम रिलायंस में पहुँच गए हैं, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ और आप सभी को सारी चीजें दिखाता हूँ। सो गाइज ये देखो, रिलायंस को पूरा चेंज कर दिया, ऊपर मतलब पूरा किचन का कर दिया और नीचे ग्राउंड है, तो उसमें जाके दिखाता हूँ मैं आप सभी को। नीचे बिस्किट वगैरह चॉकलेट्स वगैरह हैं, पक्का मैं बता सकता हूँ कि नीचे चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। तो ये देखो गाइज इधर है पूरा बिस्किट वगैरह, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ पे सॉस या फिर कोई एक इंस्टेंट पास्ता था ना, वो कौन सा था, कहाँ है वो इंस्टेंट पास्ता, जी वो काफ़ी टेस्टी बनता है, ये रहा, ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेंट पास्ता, इसको खा के मज़े आ जाते हैं। तो और कुछ लेना है? वो देख ले तेरे को, दे भी लेना। ये तो मैं और लूँगा, अभी मेरे पास वो नहीं है, बकेट नहीं है, ठीक है। ये तो मसाला है, ये एक बार यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज वाला मसाला है ना, वो सोच के मैं, हाँ ये वाला, ये मैं घर ले गया था, मैंने सोचा कि ये क्या बोलता है, इसमें ना फ्रेंच फ्राइज बनते होंगे, इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज होंगे, तो इसके अंदर से मसाला निकला। तो माँ देख रही है कि भाई ये और क्या क्या लेगा। देखो वो जो शर्ट के अंदर वो जो भैया दिख रहे हैं ना, वो मेरे फैन है, मैं जैसे रिलायंस के अंदर घुसाना उन्होंने बोला सुख चौधरी, मैं बोला हाँ, वो चिड़ावा के अंदर मेरा एक शो हुआ था तो उन वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि तो सुख चौधरी है ना, मैंने बोला हाँ। तो ऐसे ही फैंस मिलते रहे और मैं ऐसे ही फेमस होता रहूँ, मज़े आते हैं जब फैंस मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये अम्मा मेरी चीज़ तो देख नहीं रही, प्लास्टिक कंटेनर्स देख रही है। चलो तो मैं मेरी चीज़ देखना शुरू कर। ये देखो ये है शेक्स का, तो मुझे इसमें से एक तो ये डार्क फैंट से अच्छा लगता है, चॉकलेट वाला है भी शायद घर पर, मम्मी से खत्म हो गया, पी गया मैं उसको भी। और एक मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है, इसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो इसके अंदर भी नहीं आता, वो ये है लाइट बहुत बार गई। चलो लो आ जाओ आगे, ये केक चोको केक है? ये वाले ले लो, ये लो भाई ये भी ले ली केक। अब आ जाते हैं आगे, आगे तो बटर वगैरह ही है, यहाँ से कुछ भी नहीं। ये देखो, अरे यार मैं यहाँ पे ठंडा था ये नहीं बताया, पर छोड़ अब तो ले ले, घर में जाके फ्रिज में ही तो रखने हैं। वो वापिस रखा, वो वापिस रखा भाई, मेरे को जो कैन थी वो मिल नहीं रहा। ये रे कैन सारे मोनेस्टर वगैरह ये सब है, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते, ये पापा को अच्छी लगती मोनेस्टर तो, और ये माँ को अच्छी नहीं लगती जब पापा मोनेस्टर पीते, अजीब सी स्मेल आती है इसमें से, पता नहीं पापा कैसे पीते हैं। तो अभी लेंगे, मैं कैन ले लूँ? नहीं, आगे ये है लोटो चोको पाए वगैरह, बिस्किट्स वगैरह आए हैं, ये सब लोटो चोको पाए, ये वाला फ्लेवर ले लूँ मैं, ये चोको ब्रस्ट ले लूँ क्या, ये नया फ्लेवर आया है, ये लो एक और ये, ओरियन रियल चोको पाए, ओरियन रियल मैंगो कौन सा है, ये तो नहीं है लोटो चोको पाए और हाँ, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो चलो अब चलते हैं आगे, बिस्किट पड़े हैं, मम्मा डांटेगी घर जाते ही, आपको तो कुछ कहेगी नहीं, डांट तो मेरे को पड़ेगी,
पाव लेना, आ जाओ। क्या ले रहे हो? ठीक है, हाँ ये मेरे को चाहिए, ये मैं अकेले ही घर बना बना के पी लेता हूँ। बस यही फ्लेवर अच्छा लगता है मेरे को, ये है ना मेरे को मम्मा ने सिखाया तो बनाना, उसके बाद मैं अकेला ही बना लूंगा। कोई सा कलर है ये? काला खट्टा एक तो काला है या ग्रीन? काला खट्टा ब्लैकबेरी वाला है, काला खट्टा वो। मैं काम करता हूँ, गोले वाला बन जाता और बोलूंगा काला खट्टा की मीठा। ये लो भाई, एक ये भी ले लिए। मेरे से ज्यादा तो आप खरीद रहे हो सामान, मैं थोड़ी खाऊंगी। चलो पाव ढूंढो, पाव पाव ए पाव ले, पाओ 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 ले भाई, पाओ पाओ तो मिल जाएंगे यार। ये क्या है? वो का सिस्टम वैसा जी में देते हैं। चलो अब अपन लेते हैं चॉकलेट्स वगैरह। ये भाई है चॉकलेट का सेक्शन, सबसे पहले मैं लूंगा फ्रूटेला, ये वाला चिंगम नहीं है, चॉकलेट है ये। मैं स्कूल में लेके जाता हूँ उसको, मेरे को खाने में बड़ा मजा आता है। अरे ये लो जेम्स, मेरी किंडर जो ये नहीं है, दूसरी है ये। ये बार बार ये एक ही चीज, एक ये दो डाल दो, डाल दे। ओए कोई नहीं, दूसरा फ्लेवर ले लूंगा किंडर जॉय का। यहाँ पे वो मेरे को फेवरेट वाला है क्या, किंडर जॉय में एक छोटा सा बड़ा पैकेट आता है चीज खरीदे है तो नहीं यहाँ पे, कोई नहीं छोड़ो, कुछ और ही ले लेता हूँ। अभी हमने करा ली है बिलिंग, तो अभी भैया गए हैं, पता नहीं किधर गए हैं, उधर आइसक्रीम की तरफ गए हैं, देखते हैं वो क्या लेके आ रहे हैं। अच्छा हाँ, अपन आइसक्रीम कैंसिल करा रहे हैं, हाँ, और वो अभी ताज़ा ही है तो ठंडी भी नहीं, एकदम ऐसे पिघली हुई हैं, तो हमने कैंसिल करवा दी। वो बोले तो वो आ गए, कैंसिल कर देंगे। गाइस अभी हमने सामान ले लिया है, ओनली चॉकलेट चॉकलेट्स का बस 980 का बिल बन गया। इसके अंदर काफ़ी सारे चॉकलेटी चीज़ है ना। तो ये देखो गाइस, ये लो भाई, अब हमारा घर बस थोड़ी ही दूरी पे और बचा है। बस माँ हौसला रखो, डर के आगे जीता है। माउंटेन ड्यू में लेके नहीं आया, नहीं तो आपको माउंटेन ड्यू पिलाता मैं। माँ मैं एक काम करता हूँ आपको ना, मैं स्टिंग पिलाऊंगा आज, पापा से स्टिंग मंगवाऊंगा, बहुत ऐड आते हैं उससे, एनर्जी आ जाती पीते ही। ऐड तो करो, क्या क्या काम है? ओहो मैं आपके अंदर भिड़ूंगा भाई। एक तो ये रोड मेरे को बनानी पड़ेगी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, काफी दिनों से खराब हो रही है रोड। लोटो चोको पाए ये मैं लेके आया हूँ, प्रिंगल्स मेरे लिए, और ये जो मैंने आपको बताई थी ना, एक किंडर जो से थोड़ी बड़ी किंडर जो आती वो मैं लेके आया हूँ। ये है मेरे कुछ इंस्टेंट पास्ता जो कि मैं 2 लेके आया हूँ, और ये मैं लेके आया मेरे लिए शरबत जो कि मैं बना बना के पिया करूँगा। ये केक, ये कितने लेके आया मैं, हाँ ये 3 केक्स ये लेके आया हूँ, एक बबली लेके आया हूँ चॉकलेट, और एक ये फ्रूटेला लेके आया हूँ, गई नीचे। एक ये कैरेमल किटकैट लेके आया हूँ, एक ये डार्क फैंटसी का चॉकलेट वाला शेक लेके आया हूँ, अरे भाई एक ये क्या हुआ, क्या ले आई माँ, माँ मैंने आपको मैंगो का मैंगो शेक है, मैं वो लेके आया था केसर पिस्ता। केसर पिस्ता बेटा तूने पिछली बार भी नहीं पिया था पूरा, पिया था थोड़ा नहीं छोड़ा था, हाँ तो छोड़ दिया था, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो ये कोई और पी लेगा फिर। कोई नहीं मैं दूसरा ले आऊंगा, तू फिर से ले आना, ये माँ पी लेगी या पापा पी लेंगे। मेरे को तुम्हारे प्रिंगल्स खाने हैं, शुभारंभ पहले कर देता हूँ। वो एक आवाज आती है, आ रही है ना आवाज। तो हो गया तेरा, हो गया तो
गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। लो खा लो प्रिंगल्स।